चलिए बच्चों, आज एक नई चीज पर, यानी जो वर्ब के कॉन्सेप्ट पे हम लोग सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस कर रहे हैं, आज उस वर्ब के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। क्योंकि आगे जो सेंटेंस आपको दिए जाने हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में, वहां पर इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजें जो है आप जान लें। सबसे पहले ये जान लें कि हमारे पास जो हमको यूज में ले आने हैं, दो प्रकार की वर्ब्स ले आने हैं। एक प्रिंसिपल वर्ब, या इसी को हम लोग मेन वर्ब कहते हैं, और दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स, या इसी को हम लोग इस नाम से भी जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, तो जो छोटी छोटी चीजें एग्जाम्स के रूप में हमें सहायक होंगी वो हम जानते हैं। हमें जानते हैं प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब जो होती है वो मुख्य क्रिया कहलाती है, और जो हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो सहायक क्रियाएं होती हैं। हम ये भी जान लें कि ये जो प्रिंसिपल वर्ब्स या मेन वर्ब्स हैं ये अकेले भी आ सकती हैं, लेकिन ये जो हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये बिना प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब के कभी भी अकेले नहीं आ सकती हैं। अगर ये प्रिंसिपल वर्ब्स, अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स अकेले आ रही हैं, तो आप तुरंत समझ जाए कि वो वहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम नहीं कर रही, वो वहां मेन वर्ब के रूप में काम कर रहे हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस के द्वारा हम देखते हैं, देखें सबसे पहले हम ये जान लें जो हमारी मेन वर्ब्स होते हैं या प्रिंसिपल वर्ब्स होते हैं, हम उन्हें पांच प्रकार से यूज करते हैं। एक वी वन के रूप में, वी टू के रूप में, वी थ्री के रूप में, वी फोर के रूप में और वी फाइव के रूप में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई गो का एग्जाम्पल लेते हैं। गो ये फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, गॉन थर्ड फॉर्म है, गोइंग फोर्थ फॉर्म है और गोज फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, ये गो वेंट गॉन गोइंग गोज, इस तरह से पांच प्रकार की वर्ब्स होती है, वर्ब की पांच फॉर्म्स आप उनका यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो किसका काम करती हैं, इन जो मेन वर्ब्स होती हैं इनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, दो ऐसी फॉर्म्स इसमें हैं, ये वेंट ये और एक ये, जहां हमको कभी भी किसी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आप ऐसे लिखें, ही वेंट, तो यहां किसी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप लिखा ही गोज, यहां किसी भी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो गो है आपकी फर्स्ट फॉर्म, जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो वहां भी आपको किसी हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे आप लिखते हैं दे गो। पूरे ग्रामर में केवल ये तीन ऐसी फॉर्म्स हैं, यानी सेकेंड फॉर्म जिसे हम पास्ट सिंपल के नाम से जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव यूज करते हैं, और एसईएस फॉर्म जिसे यहां हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया। इन तीन फॉर्म के साथ हम नॉर्मली, इसके साथ हम ले भी सकते हैं, इन दोनों के साथ कभी भी हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेते हैं। इसके अलावा जितने भी टेंसेस आपके हैं बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नहीं चल सकते हैं। तो हम हेल्पिंग वर्ब्स को साधारण में जान लेते हैं, सामान्य रूप में, कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स को दो भागों में बांट लेते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी।
ये जो ग्रुप ए है इसमें हम उन वर्ब्स को रख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स को जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं। वो क्या हो सकते हैं आपकी, डू हो सकती है, डज हो सकती है, डिड हो सकती है, इज हो सकती है, एम हो सकती है, आर हो सकती है, वाज हो सकती है, वर हो सकती है, हैज हो सकती है, हैव हो सकती है और हैड हो सकती है। ये सारी क्या है आपकी, ग्रुप ए में हम रख लेते हैं जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स डू बी और हैव के फॉर्म्स हैं। ग्रुप बी में हम किसको रख लेते हैं, ग्रुप बी में हम रख लेते हैं इनको, हम विल को रख लेते हैं, शैल को रख लेते हैं, मे को रख लेते हैं, माइट को रख लेते हैं, कैन को रख लेते हैं, कुड को रख लेते हैं, शुड को रख लेते हैं और भी इनके अलावा आर्ट टू को रख लेते हैं, मस्ट को रख लेते हैं और वुड को रख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है ग्रुप ए में जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स की फॉर्म्स हैं, और ये क्या है आप जानते हैं सारी मॉडल्स हैं। तो अब हम इन पर काम करते हैं कि कैसे हम इनका यूज करते हैं। ये ध्यान से देख लिया आपने, do, does, did, is, am, are, was, were, has, have, had, ये कुल 11 आपके पास होंगी जो do, be और have के फॉर्म्स हैं। ये क्या है आपकी जो प्योर मॉडल्स होते हैं, यानी जो फुल मॉडल्स होती हैं, वो है कौन कौन सी हैं? विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, ऑट टू, मस्ट और वुड। ये सारी मॉडल्स आपकी इसमें हैं, ठीक है। अब हम इनका एक चीज समझते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप ए पर काम करते हैं। ग्रुप ए की जो वर्ब्स है, जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेंगे तो फिर आप इनके साथ हर हाल में प्रिंसिपल वर्ब आपको रखना होगा। कभी भी कोई ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है जहां पर आप केवल हेल्पिंग वर्ब लें और प्रिंसिपल वर्ब न लें। जैसे आपने लिखा He does not to market. कभी हो सकता है कभी नहीं। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनका यूज किया है तो हर हाल में इसके साथ क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल वर्ब, यानी इसके साथ क्या होना चाहिए था, He does not go to market. ये होना चाहिए था। यानी हेल्पिंग वर्ब तभी आएगी जब उसके साथ क्या आएगी, उसकी प्रिंसिपल वर्ब आएगी। जबकि प्रिंसिपल वर्ब अकेले आ सकती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब होने का मतलब है कि उसके बाद हर हाल में हमको प्रिंसिपल वर्ब लेना है। अब जैसे हम एक एक का यूज कर लेते हैं, कैसे हेल्पिंग वर्ब्स, जैसे एक एक का, ही Does not go, we do not go, they did not go, he is not going, I am not going, they are not going, he was going, they were going। ये सारी देखिए क्या है आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं।
इनके आने का मतलब है कि हर हाल में आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रिंसिपल वर्ब होनी चाहिए। अभी तीन और हैं, वो भी लिख दे रहा हूं। I have not gone. He has not gone. They had. Or lady gone. यहां पर देखिए, जैसे आपने helping verbs ली तो हर एक के साथ आपने क्या लिया, आपने principal verb लिया। यानी हेल्पिंग वर्ब होने का मतलब कि उनके बाद हर हाल में आपको क्या लेना है, प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब्स आपको रखना है। अब हम ये देखते हैं कि क्या हम इन हेल्पिंग वर्ब्स को मेन वर्ब्स के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर हम मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो डू, बी और हैव, इनकी हमको फॉर्म्स याद रखनी होगी। डू की कौन सी फॉर्म हो जाएगी, डू, डज और डिड रहेगी, और ही फॉर्म्स होगी कौन सी, डन होगा। बी की कौन सी फॉर्म हो जाएंगी, इज, एम, आर, वास और वर, और हैप्पी कौन सी हो जाएंगी, हैव, हैज और हैड। ये सारी क्या है, आपकी फॉर्म्स हो जाएंगी जो वर्ब के रूप में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये वर्ब के रूप में आएंगे तो फिर ध्यान रखिएगा इनके साथ कभी भी प्रिंसिपल वर्ब नहीं आएगा। यानी अगर ये वर्ब के रूप में, प्रिंसिपल वर्ब के रूप में आप यूज करेंगे तो फिर वर्ब के रूप में आप इनका यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक एक एग्जांपल देखें, आई डू इट, ये यहां क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगी। ही डिड इट, डिड क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगी। ही डज इट, डज क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगी। आई हैड डन इट, डन क्या हो गया, प्रिंसिपल वर्ब हो गई। ही वाज देयर, वाज क्या है यहां, प्रिंसिपल वर्ब है। दे वर हियर, वर क्या है यहां, प्रिंसिपल वर्ब है। आई हैव अ बुक, हैव क्या है यहां, प्रिंसिपल वर्ब है। I had a book. Had क्या है यहां, प्रिंसिपल वर्ब। She has a book. ये क्या है यहां, प्रिंसिपल। यानी जब भी हेल्पिंग वर्ब्स को आप मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो इनके बाद कभी भी प्रिंसिपल वर्ब नहीं आएंगे। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, तो आप हमेशा याद रखें इनके साथ क्या ले सकते हैं, आप एक नाउन ले सकते हैं या एक एडजेक्टिव ले सकते हैं, ये ले सकते हैं ना। तो अगर ये लेते हैं तो आप देखें कैसे इनका फॉर्मेट होगा। देखिए, आई एम अ टीचर, अब यहां देखें क्या है, ये प्राइमरी वर्ब होगी यहां पे, तो फिर यहां पे ये क्या हो गया, नाउन हो गया। ही इज अ बॉय, ये प्रिंसिपल वर्ब यहां पे है तो क्या हो गया,
नाउन हो गया. ही इज सैड. प्रिंसिपल वर्ब यहां पे है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया. हो गया ना. यानी जब भी आप इस एमआर और वास्तव में मैं आपको दिखा दो, ही वॉज अ डॉक्टर. वॉज देखिए प्रिंसिपल वर्ब है, इसके बाद क्या लिया आपने, नाउन लिया. जब भी आप प्रिंसिपल वर्ब के रूप में हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करेंगे तो नॉर्मली उसके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आएगा. नहीं, अगर प्रिंसिपल वर्ब के रूप में आप हैस, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे तो कभी भी कोई एडजेक्टिव नहीं आ सकता है, केवल नाउन आएगा. जैसे आई हैव अ पेन. सही है, देखिए आई हैव अ पेन. कभी भी आप हैस, हैव, हैड के बाद एडजेक्टिव नहीं ले सकते हैं. आपको जब भी हैज, हैव, हैड के बाद लेना होगा, केवल नाउन होगा. उसकी वजह क्या है, क्योंकि इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद जब आप कोई नाउन लेते हैं तो वह आपके कौन का प्रश्न का उत्तर देता है या उसका स्वरूप क्या है, इससे इसका उत्तर देता है. लेकिन जब आप इस, एम, आर, वाज वर्ब के बाद कोई एडजेक्टिव लेते हैं तो वह हमेशा कैसा का उत्तर देता है या कितना का उत्तर देता है, ये अंतर आएगा. नहीं, अगर आप हैस, हैव, हैड लेते हैं इसके बाद केवल क्या आएगा, नाउन आएगा. और वह क्या चीज है, यानी वो कौन सी चीज है जो उसके पास है, इसका उत्तर देता है. ठीक है, समझने की कोशिश करें इन चीजों को आप. चलिए, तो कुछ चीजें आपने समझ ली होंगी. अब आप अपने से करके कुछ देखें, आपने क्या समझा. आई हैव डन इट. अब यहां बताएं ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, क्या है यहां. देखें मेन वर्ब तो यहां है, तो फिर ये क्या है हमारी, हेल्पिंग वर्ब. और ये क्या है हमारी, मेन वर्ब कुछ है. लेकिन यहां देखें आई हैव अ पेन. अब आप सोचें अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद जरूर से आपके पास एक मेन वर्ब यानी प्रिंसिपल वर्ब होती. क्या है ऐसा, नहीं ना. इसका मतलब यहां हैव क्या है आपके, मेन वर्ब हो जाए. और जैसे ही हैज, हैव, हैड मेन वर्ब हो उसका जो हिंदी होता है वो पास होना या रखना हो जाता है. आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है. ठीक है, और समझते हैं. ही इज कमिंग. यहां इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, समझ गए होंगे ना. ये यहां क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब. क्योंकि ये क्या है आपकी, मेन वर्ब है. लेकिन यहां देखें ही इज अ टीचर. अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है आपकी, क्योंकि अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद जरूर से आपके पास क्या होता, एक प्रिंसिपल वर्ब होता. यानी यहां पर ये क्या है, एक मेन वर्ब है. और चूंकि ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की या SES फॉर्म कह सकते हैं आप, तो फिर ये आपकी कौन सी टेंस हो जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा. ठीक है, और देखें बोले, देखिए आप समझ रहे होंगे बच्चों, यहां डस क्या है, आप क्या है समझ रहे हैं, क्योंकि यहां हमारे पास प्रिंसिपल वर्ब है इसलिए यह क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब है. तो यह क्या है आपकी, प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब था, मेन वर्ब हो जाएगी. लेकिन अब देखें ही डज इट, अच्छी चीज है, ध्यान से देखें. क्या यहां हेल्पिंग वर्ब होगी, कतई नहीं.
अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद निश्चित ही आपके पास कोई प्रिंसिपल वर्ब होती, अर्थात यहां पे ये क्या है आपकी मेन वर्ब है। और ऐसी स्थिति में डू डज डिड का अर्थ क्या हो जाता है, कोई कार्य करना, ही डज इट, वह यह करता है। यानी इस तरीके से आप फर्क समझ सकते हैं हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब के रूप में यूज हो और वही हेल्पिंग वर्ब जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो, तो फर्क आप समझ सकते हैं। अब कुछ और आगे बढ़ते हैं, देखें He has been weeping। बताएं आप ध्यान से देखें ये has क्या होगा यहां, क्या हमारे पास यहां कोई प्रिंसिपल वर्ब है ना, कोई कार्य हो रहा है एक्शन वर्ब के रूप में, ये क्या हो गई आपकी मेन वर्ब हो गई। जब ये मेन वर्ब हो गई तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपकी हेल्पिंग वर्ब्स हो जाएंगे। लेकिन ये वाक्य देखें ही हैज बीन इल, यहां इल हमारा एक्शन वर्ब नहीं है तो हमारी वर्ब क्या होगी आपकी बी वाली फॉर्म हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी मेन वर्ब हो जाएगी। और अगर ये मेन वर्ब हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी आपकी हेल्पिंग। और इस हिसाब से देखें तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये आपकी कौन सी टेंस होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगी। समझ रहे हैं। चलिए मैं अब कुछ वाक्य आपको दे रहा हूं और आप उसे पहचान के दिखाएं। आई डू नॉट गो और आई डू दिस वर्क, ही इज नॉट कमिंग, ही इज अ दे हैव डन इट और दे हैव इन तीनों सीरीज यानी दो दो के क्रम में तीनों को आप देखें और तय करें कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यहां डू हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, ये डू हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, ये इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, ये इज हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब और ये हैव हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। जल्दी से देखें और मुझे बताएं क्या सही। समझ आया, आप समझ गए होंगे यहां जो डू है इसके साथ आपके पास एक प्रिंसिपल वर्ब इसलिए डू क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब, यहां जो डू है इसके साथ कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, देखें एक नाउन है आपके पास दिस वर्ब के रूप में तो यहां डू क्या हो जाएगी मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब हो जाएगी। यहां इसके साथ क्या है आपके पास प्रिंसिपल वर्ब है इसका मतलब इस क्या है आपके यहां पे हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां इसके साथ क्या है एक नाउन है आपका इसका मतलब इस क्या है यहां पे आपकी मेन वर्ब है, यहां पे हैव के साथ क्या है आपकी वर्ब है आपके पास प्रिंसिपल वर्ब, यहां हैव क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब और यहां हैव के साथ क्या है आपके पास नाउन्स है इसलिए यहां जो हैव है क्या हो जाएगी आपकी प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत आप इसे। चलिए अब हम जो मॉडल्स हैं यानी ग्रुप बी वाला जो हमारा सेक्शन था उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। कभी भी अगर आपको मॉडल्स लेनी है यानी जिसे मैंने ग्रुप बी का नाम दिया था तो मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की क्या ले आप फर्स्ट फॉर्म ले, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी लेंगे ये कौन सी वॉयस होगी आपकी एक्टिव वॉयस हो जाएगी। लेकिन अगर आप इन्हीं मॉडल्स के साथ
प्लस बी प्लस वी थ्री ले लेते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगी आपकी पैसिव वैल्यूज हो जाएगी, हो जाएगी ना। यही मॉडल्स लें आप और इनके साथ क्या ले लें हैव ले लें, और हैव के साथ क्या ले लें आप कोई नाउन ले लें आप। यही मॉडल्स लें आप और इनके साथ क्या ले हैव ले और क्या ले ले आप इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ले ले, कर लेंगे आप क्लियर है। अगर आप इनके साथ कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप एक और चीज कर सकते हैं, ये मॉडल्स लें और मॉडल्स के साथ यानी आप क्या ले लें बस बी ले लें और नाउन ले लें आप, ऐसे देखें मॉडल्स ले लें बी ले लें और नाउन ले लें। ये आपकी पांच कंडीशंस हैं जो मॉडल्स के साथ आपको यूज करना है। देख लें जरूर चीजों को अच्छे से, आप चाहें तो जब आप रिकॉर्डिंग देखेगा तो आप इसे रोक करके पॉज करके भी आप देख सकते हैं ये सब चीजें, ठीक है। यानी जो मॉडल्स होते हैं उनकी ये कंडीशन, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लें अगर एक्टिव वॉइस में है, और अगर आप पैसिव वॉइस में है तो मॉडल्स के साथ बी होगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी जैसे आपने मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखी तुरंत समझ जाए कि वो आपकी एक्टिव वॉइस का काम कर रहा है, और अगर मॉडल्स के साथ बी हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तुरंत समझ जाए वो पैसिव वॉइस का काम कर रहा है। दो एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे हमने लिया वी शुड गो, आप आराम से समझ सकते हैं कि मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कौन सी वॉइस होगी ये एक्टिव वॉइस। अगर यही वाक्य होता वी शुड बी कॉल्ड, आप देखिए समझ सकते बच्चों मॉडल है बी है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये कौन सी वॉइस हो जाएगी पैसिव वॉइस हो जाएगी ना। इस तरह आप चाहें तो मॉडल्स को एक्टिव और पैसिव में पहचान सकते हैं, एक्टिव में रहेगा तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पैसिव रहेगा तो हमेशा बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं जहां मॉडल्स हो हैव हो और नाउन, ध्यान रखिएगा मॉडल्स के बाद जो कुछ भी आएगा वो हमेशा मूल रूप में रहेगा, कभी भी किसी भी कीमत पे आप उन्हें एक्टिव वॉइस में सेकेंड थर्ड या फोर्थ फॉर्म नहीं यूज कर सकते हैं आप। देखें तीसरे एक एग्जाम्पल देखें, He should have a pen. ध्यान से सोचें बच्चों आप, ये should यहां मॉडल है और ये पता है यहां क्या है, ये यहां मेन वर्ब है आपकी, क्योंकि बिना मेन वर्ब के कभी वाक्य आप बना नहीं सकते हैं। तो अगर दोनों आप हेल्पिंग वर्ब्स मानेंगे तो फिर आपका गलत होगा, क्योंकि यहां प्रिंसिपल वर्ब तो है ही नहीं, ये तो नाउन है आपका, ये यहां पे हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब, और मेन वर्ब के रूप में हैव का अर्थ बताया था मैंने पास होना, तो ही शुड हैव अ पेन, उसके पास होनी चाहिए एक कलम, ये अर्थ हो जाएगा ना। एक और स्ट्रक्चर देखते हैं जो चौथा मैंने आपको दिया है, ये चौथा स्ट्रक्चर देखें, ही शुड हैव कॉल्ड है ना, ये एक्टिव ऐसी है क्योंकि ध्यान से देखें आप जब भी वॉइस के साथ यानी मॉडल में बी प्लस थर्ड फॉर्म होगी तब भी आपकी पैसिव वॉइस होगी, ये एक्टिव वॉइस है। अब यहां देखें, यहां आपके पास एक्शन वर्ब है ना, कॉल एक्शन वर्ब है, इसका मतलब ये दोनों किसमें आएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब्स ऑक्सिलरीज में आएंगी, जिसमें शुड के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म के रूप में हैव लिया और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिया आपने लिया, ये दोनों यहां हेल्पिंग वर्ब्स की तरह काम करें। हम इन्हीं को पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें ऐसे हो जाएगा आई शुड हैव बीन कॉल्ड, ध्यान से देखें बच्चों ये कॉल्ड क्या है आपकी मेन वर्ब है ना, तो फिर ये क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये भी हेल्पिंग वर्ब और ये भी हेल्पिंग वर्ब, लेकिन शुड हैव के बाद देखिए क्या है आपकी बीन है,
तो मैंने कहा था जब भी मॉडल के साथ वर्ब की बी फॉर्म और बी के साथ थर्ड फॉर्म आए तो हमेशा कौन सी वॉयस होगी, वो पैसिव वॉयस हो जाएगी। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस नाउन का। ही शुड बी देयर, ठीक है, ये शुड क्या है आपकी मॉडल है, यहां कोई क्या एक्शन वर्ब है नहीं ना, इसका मतलब बी ही यहां पे क्या है आपकी मेन वर्ब है, और जब बी मेन वर्ब होती है तो उसका अर्थ होना होता है, ही शुड बी उसे होना चाहिए देयर, वहां उसे वहां होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप तैयार कर लें धीरे धीरे। इसके अलावा कुछ और चीजें, एक चीज और देखें, कभी भी अगर ये स्ट्रक्चर आपके पास आए, हैज हो, हैव हो या हैड हो, और इसके साथ बीन टू प्लस क्या हो, कोई प्लेस हो, तो तुरंत समझ जाए इस पूरे का जो अर्थ होगा घूमने से या जाने से निकलेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई वाक्य लिया, He has been to London, ठीक है, जैसे has been plus to plus place आ गया, तुरंत इसका अर्थ निकाल लें, यानी वह लंदन घूमा है, यानी उसने लंदन को देखा है, ये सेंस आ जाएगा। I have been to मुंबई, समझ गए होंगे, मैं मुंबई गया हूं, घूमा हूं, या मुंबई को मैंने देखा है, ये एक स्ट्रक्चर आपका जाएगा। ये छोटी सी हेल्प मैंने की, क्योंकि जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेंटेंसेस हैं वहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी, और ये जितने भी मैं अभी आपको दे रहा हूं ये सारा वर्ब के कॉन्सेप्ट पे है, इसलिए इन्हें समझाना मेरे लिए जरूरी था। थैंक यू। हम सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे आते हैं। चलिए बच्चों, अभी आपने वर्ब का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, इज एम आर वाज वर्ब प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स और मेन वर्ब्स का, अब उसी पर थोड़ा बहुत आधारित ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट के केवल 10 क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं, और ये सब सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो एग्जाम्स में आए हुए हैं वही दे रहा हूं, जरूर तैयार, ठीक। तो ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब पार्ट 3, जो इसके पहले दो दिए गए हैं, जरूर तैयार कर लीजिएगा, काम आएगा, सब वर्ब पे कॉन्सेप्ट पे है आपका। ये 26 से 35 तक है जो मेरी सीरीज है 500 की, जिसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स और कॉमन एरर्स हैं, सब चैप्टर वाइज रहेंगे, तो आपने जरूर तैयार कर। चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन देखे है आपका, ठीक है, A majority of the students, यानी एक मेजॉरिटी जो है, बहुमत है विद्यार्थियों का, बिलीव, वो विश्वास करता है दैट ही द examinations, अब examinations है प्लूरल है, तो आप सोचे क्या है, examinations के साथ आर necessary होगा या examinations have been not, ये तो स्ट्रक्चर ही गलत है, ये not यहां होना चाहिए था, गलत, have necessary, तो examinations आवश्यक है, अननेसेसरी है, अनावश्यक है हूं है के सेंस में, क्या हैव ले सकते हैं, हैव का अर्थ तो क्या होता है मेन वर्ब के रूप में, पास होना ना, यानी ये गलत है आपका, नहीं होगा, आर बीइंग नेसेसरी, यानी क्या examinations नेसेसरी हो रहे हैं या अननेसेसरी हो रहे हैं, यहां तो हो रहे हैं कि कोई बात है नहीं आपकी, इसका मतलब ये ऑलरेडी सही आपका है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बिलीव, यानी बहुत सारे बच्चे, बच्चों का एक जो, छात्रों का एक जो बहुमत है वो ये विश्वास करता है दैट की द examinations आर नेसेसरी, ये ऑलरेडी क्या है आपका सही है, आपको किसी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, यानी यहां नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, Since he had never been in such a situation before, चूंकि वह
पहले ऐसी स्थिति में कभी नहीं रहा है। हिस एप्रिहेंशन, एप्रिहेंशन मीन्स आशंका, भय, डर। हिस एप्रिहेंशन इज अंडरस्टैंडेबल, इसलिए उसका जो भय है, जो आशंका है, वो समझी जा सकती, समझे जाने योग्य। हमारा इंप्रूव करना हमें यहां पर, हैड नेवर बीन, सिंस ही हैड नेवर बीन इन सच अ सिचुएशन बिफोर, चूंकि वह पहले ऐसी स्थिति में कभी नहीं रहा है। रहा है के सेंस में क्या है, यहां पे बीन है और हैड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। अब यहां देखते हैं, सिंस ही हैड ऑलवेज बीन, क्या ये बेहतर है इसके लिए, नहीं। सिंस ही वाज इन सच अ सिचुएशन बिफोर, जब बिफोर है तो आपको परफेक्ट लेना होगा, डज नॉट वर्क से कोई मतलब नहीं आपका है, यानी ये वाक्य ऑलरेडी सही आपका है। सिंस ही हैड नेवर बीन इन सच अ सिचुएशन बिफोर, क्योंकि वह ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं रहा है, हिज एप्रिहेंशन इज अंडरस्टैंडेबल। हम जो कर सकते हैं वो इस पे सोच सकते हैं, इस पे कर सकते हैं, सिंस ही वाज इन सच। लेकिन यहां चूंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है और यहां वाज कहीं ऐसा है नहीं, इसलिए यहां ये फिट नहीं बैठेगा। तो सिंस ही हैड नेवर बीन ऑलरेडी क्या है आपका, सही है, तो आपका नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, डिस्प्यूट्स आर मेनली मेंटेन्ड बाय दोज, यानी जो विवाद हैं, झगड़े हैं, आर मेनली मेंटेन्ड बाय दोज, ये विशेषता उन्हीं लोगों के द्वारा किए जाते हैं हु, ध्यान रखिएगा हु के पहले देखें, ये हु के पहले देखें क्या लगा है, दोज लगाए, क्यों, क्योंकि यहां पर मेनली का प्रयोग है, ठीक। तो डिस्प्यूट्स आर मेनली मेंटेन्ड बाय दोज, यानी झगड़े विवाद उन्हीं द्वारा किए जाते हैं जो आर नथिंग एज टू डू। अब ये स्ट्रक्चर देखिएगा, हु आर नथिंग एल्स टू डू, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता है, यानी विवाद उन्हीं के द्वारा किया जाता है जिनके पास कुछ नहीं होता है टू डू, करने को। तो हिंट दे दिया मैंने, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता है, तो हु आर नथिंग एल्स टू डू होगा, हिंदी सोच के देखें आप, या हु हैव नथिंग एल्स टू डू होगा, कौन सा स्ट्रक्चर सही होगा, हु आर नथिंग एल्स टू डू, जो नहीं है कुछ करने को, या जिनके पास कुछ करने को नहीं है, यही होगा ना, हु हैव, यहां भी आर है तो ये नहीं हो सकता है। हैड नथिंग एल्स टू बी डन, ऐसे वैसे कोई आवश्यकता ही नहीं, खुद ही वो कर रहे हैं। तो डिस्प्यूट्स आर मेनली मेंटेन्ड बाय दोज हु, यहां आर के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, हैव हो जाएगा, हु हैव नथिंग एल्स टू डू, जिनके पास करने को कुछ नहीं होता है, ये हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न आ गया, आई हैव नेवर हैड एनी सीरियस इंजरी आर एलिमेंट इन माई लाइफ, एलिमेंट मीन्स बीमारी होते हैं, इंजरी मीन्स घाव, चोट होते हैं, ठीक। तो आई हैव नेवर हैड, हैव नेवर हैड, ये है स्ट्रक्चर आपका, हैव नेवर हैड, स्ट्रक्चर तो सही लग रहा है। और यहां आई डिड नेवर हैड, डू डज डिड के बाद जब भी आएगी मेन वर्ब वो हमेशा मेन रूप, मेन फॉर्म में रहेगी, मूल रूप में रहेगी, तो ये नहीं हो सकता है कभी। हैव नेवर बीन, अब देखें, आई हैव नेवर बीन एनी सीरियस इंजरी, नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उसके बाद, आई हैव नेवर बीन के बाद एनी सीरियस इंजरी कैसे आ सकता है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता है, गलत ये भी, ये भी।
आई वाज नेवर हैव, क्या वाज वर्ब के बाद किसी भी अवस्था में हैव आ सकता है? कभी नहीं, ये गलत। तो आप समझ सकते हैं ये ऑलरेडी सही है, क्योंकि यहां जो हैड है ना, ये हैव की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्यों लिया आपने? हैव की वजह से। तो हैव एनी सीरियस इंजरी मीन्स होता है चोट लगना, घाव लगना, तो ऑलरेडी सही है। और ये हैड हुआ क्योंकि हैव के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी आपको यहां नो इंप्रूवमेंट यूज करना है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है, ट्रांसेंडिंग हैज वन ऑफ द आइटम्स। ट्रांसेंडिंग समझ, ट्रांसेंड मीन्स होता है किसी सीमा से परे हो जाना। तो ट्रांसेंडिंग हैज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस, यानी हमारे नए सिलेबस में ट्रांसेंडिंग उन आइटम्स में से एक है। क्या यहां पास होने की बात है या होने की बात है? केवल जहां होने की बात हो वहां बी का प्रयोग करें, और जहां पास होने की बात हो वहां पे हैव का प्रयोग करें। तो ट्रांसेंडिंग उन आइटम्स में से एक है, एक है, तो है के लिए हैज कैसे ले सकते हैं आप? तो क्या हो जाएगा? ट्रांसेंडिंग फॉर आई हैव टू गिव सिंस, यहां जो ऑप्शंस हैं गलत हैं, एक्चुअली जोड़ा नहीं गया है। यहां पे ट्रांसेंडिंग के साथ क्या लगेगा? यहां इज हो जाए, हुआ ना। ट्रांसेंडिंग इज वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस, यानी नए सिलेबस में उन आइटम्स में से ट्रांसेंडिंग क्या है? एक है, इसीलिए यहां पे हैज के स्थान पे इज ले लें आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां प्रश्न आ गया। यू कैन नॉट गेन द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीपल, यानी आप लोकल पीपल का, स्थानीय लोगों का सपोर्ट नहीं पा सकते हैं विदाउट बीइंग कॉर्डियली टू देम, विदाउट बीइंग कॉर्डियली टू देम। अब सोचिएगा यहां पे, क्या बीइंग के बाद आपको एडवर्ब चाहिए? क्या आप ऐसे लिखेंगे आई एम sadly, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? आप क्या लिखेंगे? I am sad, यही लिखेंगे, क्योंकि इस एमआर वाज वर्ब के बाद आप एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे ले सकते हैं? आपको क्या लेना होगा? एडजेक्टिव लेना होगा। तो अब यहां पे देखिए क्या है, इस एमआर की फॉर्म ही बीइंग है ना, तो बीइंग के बाद ये जो कॉर्डियली ले रहे हैं ये गलत है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। आपको यहां क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। और अगर एडजेक्टिव चाहिए तो देखिए कहां पर है, बीइंग कॉर्डियली फॉर, यहां भी तो कॉर्डियली है, नहीं होगा। बीइंग कॉर्डियल टू होगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं, बीइंग कॉर्डियली यहां भी एडवर्ब है, नहीं चाहिए। यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, बीइंग कॉर्डियल, कॉर्डियल के साथ टू लगाते, बी कॉर्डियल टू होता है यहां पर। बी कॉर्डियल मीन्स किसी के प्रति मित्रवत होना, जब आप किसी के प्रति हार्दिक भावना रखते हैं तो यू आर कार्डियल टू समवन, तो यहां पे आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहां पे एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव की आवश्यकता है। यू कैन नॉट राइट आई एम व्हाट, आई एम सैडली, आई एम बैडली, गलत है ना। आई एम व्हाट, जो भी आप एडवर्ब ऑफ मैनर यूज करें गलत होगा, आपको एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा। चलिए सातवां प्रश्न आ गया, और इस सारे प्रश्न में फिर कहूंगा सिर्फ वही प्रश्न है जो एग्जाम्स में एसएससी या बैंक में दिए गए हैं आपको। एनलाइटमेंट वर्ब, एनलाइटमेंट समझते होंगे ना, जब आपका अंतर जागरण होता है तो वो एनलाइटमेंट होता है। तो एनलाइटमेंट वर्ब, वैसे भी एनलाइटमेंट सिंगुलर है तो वर्ब कैसे होगा? एक वचन के साथ सिंगुलर साथ क्या लेते हैं आप? वास लेते हैं, तो वर्ब तो कतई नहीं होगा। अ स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस, रिलैक्स्ड अवेयरनेस की एक स्थिति है एनलाइटमेंट, थी है और आगे रहे, यानी शाश्वत है। अगर शाश्वत है तो वर कैसे होगा? पास्ट कैसे होगा? प्रेजेंट होगा। देखते हैं, एनलाइटमेंट हैड तो होगा नहीं आपका, नहीं ना।
एनलाइटमेंट हैज तो होगा नहीं, एनलाइटमेंट हैज अ स्टेट ऑफ रिलैक्स अवेयरनेस, एनलाइटमेंट के पास तो है नहीं, एनलाइटमेंट खुद है, तो होने के लिए इज एम आर वाज वर्ब, तो फिर यहां वाज वर्ब के स्थान पे बेस्ट क्या होगा, इज हो जाएगा इस वर्ब के स्थान पे। तो एनलाइटमेंट इज अ स्टेट, स्टेट मीन्स अवस्था, स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस, अवेयरनेस मीन्स किसी चीज की पहचान, जागरूकता। चलिए और ये आठवां प्रश्न हमारे सामने है, द मिनिस्टर सेड दैट ही इज प्राउड ऑफ द पीपल ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। नॉर्मल है, अगर आपकी ये क्लास आप जानते हैं, अगर ये क्लास आपकी पास्ट है, अगर ये क्लास आपकी पास्ट है सेड, तो आप जानते हैं ये प्रेजेंट कैसे हो जाए, कर लेंगे, क्या हो जाएगा, he should be proud of, he had pride for, he was, ये देखे आपका है ये वाला, the minister said that he was proud of the people of his constituency, ये हो जाएगा। और ये सेकेंड लास्ट प्रश्न आपके सामने है, नवा प्रश्न आपके सामने, in order to be complete today a company should innovative। ध्यान से मेरी बात सुने, बी के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, या फिर आएगी वर्ब की, अरे वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म आएगी कभी नहीं, तो फिर या तो आएगा कोई नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव, यही आएगा ना, He is sad, he is Ram, यही आएगा। तो in order to be compete today, यानी आज प्रतिस्पर्धी बनने के लिए a company should innovative, बिना verb के helping verb कैसे आएगी, primary verb तो होनी चाहिए ना, तो एक company को innovative होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं जब भी आएगा होना चाहिए, यानी should के साथ be आएगा, है ना, तो शुड के साथ देखिए बी किसमें है, ये देखिए शुड, बाकी किसी में बी है ही नहीं आपका, और ये नहीं सोचेगा इज ले लेंगे आप, क्योंकि मॉडल के साथ मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आप सारे ऑप्शंस को छोड़ दें, आप केवल इस शुड बी के द्वारा भी कर सकते हैं, और यहां भी समझ सकते हैं प्रतिस्पर्धी होने के लिए, यानी प्रतियोगात्मक होने के लिए, तो आपको कहीं कहीं कंपिटेटिव होना होगा, आज कंपिटेटिव होना होगा, क्या होने के लिए, इनोवेटिव होने के लिए, तो यहां हो जाएगा इन ऑर्डर टू बी कंपिटेटिव टूडे अ कंपनी शुड बी इनोवेटिव, यानी आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका दसवां प्रश्न, दो पीपल शुड बी राइट, should be right to protest, यानी लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए should be right, ये right सही वाला right नहीं है, ये right अधिकार वाला right है, तो अगर ये अधिकार वाला right है तो लोगों के पास अधिकार होना चाहिए, लोगों के पास अधिकार होना चाहिए, अगर लोगों के पास अधिकार होना चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि अगर लोगों के पास अधिकार होने का सेंस आपको लेना है तो पास होना मेन वर्ब के रूप में क्या आएगा, या मेन वर्ब ये तो है नहीं आपका, नाउन है ये, तो शुड के बाद मेन वर्ब लेना है और पास होना के अर्थ में लेना है, तो आप याद करिए क्या लेंगे आप, शुड बी के स्थान पे क्या लेंगे आप, शुड हैव लेंगे आप, तो हो जाएगा वुड बी गलत, वुड बी गलत, शुड हैव राइट to protest, यानी दो people should have right to protest, यद्यपि लोगों के पास विरोध करने का अधिकार होना चाहिए लेकिन it should not be, लेकिन यह अधिकार ऐसे नहीं होना चाहिए by upsetting the livelihood of others, कि आप दूसरों की आजीविका वगैरह रहन सहन में क्या करें आप, upsetting means व्यवधान उत्पन्न करें, या should have हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन, should have right to protest।
ये मैंने आपको रिवीजन के लिए दिया, ये सारे वर्ड्स देख लें आप, जरूर तैयार कर लीजिएगा, जो मैंने पढ़ाया हुआ है आपको देख लें आप, जरूर तैयार करेंगे। और ये वर्ड्स मैंने आज जोड़े, जल्दी से देख लेते हैं। एक्सरसाइज मीन्स अभ्यास करना या इस्तेमाल करना, लेकिन एक्सरसाइज मीन्स बुरी आत्मा को बाहर निकालना या किसी चीज को निकाल देना। एक्सरसाइज मैंने दिया वर्ड्स, यू शुड एक्सरसाइज, आपको अभ्यास करना चाहिए। ही ट्राइड टू एक्सरसाइज डेमन्स, उसने उन दैत्यों को दानवों को बाहर निकालने की कोशिश की। नेक्स्ट वर्ड है एलिसिट और इलिसिट। एलिसिट किसी चीज को प्रकाश में ले आना, सामने ले आना, उगलवाना किसी से। हर रिमार्क्स एलिसिटेड चीयर्स, यानी उसकी जो टिप्पणियां थी उनसे क्या प्राप्त हुई, क्या निकले, लोगों ने उनकी वाहवाही की। एलिसिट सामने ले आना, बाहर ले आना, लेकिन इलिसिट अवैध, गैर कानूनी। जब कोई रिलेशन गलत होता है तो इलिसिट होता है। शी नेवर हैड एन इलिसिट अफेयर विद हर बॉस, यानी उसके सी हैड एन इलिसिट अफेयर विद हर बॉस, यानी उसका अपने बॉस के साथ क्या था, इलिसिट यानी अवैध यानी गलत रिश्ता था। तो चार वर्ड्स यहां पे, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज, है ना, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज, और इलिसिट और इलिसिट, और दो तीन वर्ड्स और देख लें आप। ये जो मैंने आज आपको पढ़ाया, टुडेज टॉपिक था आपका प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स और प्राइमरी और या मेन वर्ब्स, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, जरूर तैयार कर ले, सारी चीजें आपके काम आएंगी। पार्ट फोर में मैं फिर आगे आपसे 10 इंप्रूवमेंट के साथ मिलूंगा। थैंक यू।